नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। इंसान की भावनाओं का प्रबल प्रवाह जब रोके नहीं रुकता, उस समय वो कला के रूप में उभरता है। कला को लोगों से जोड़ते हुए नई दिल्ली के खान मार्केट में अतुल मारवा द्वारा MEC आर्ट गैलरी में एक शानदार आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लगभग 30 वर्षों से MEC यानी मेक आर्ट गैलरी ने देश को कई पेंटर दिए जिनके अंदर प्रतिभा तो थी लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिल रहा था। कोरोना के बाद एक बड़ी पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें पूरे भारत से 45 कलाकारों को चुना गया और उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें पेंट, ऑयल और पेंसिल स्केच शामिल हैं। गैलरी के चेयरमैन अतुल मारवा ने कहा, नए कलाकार के अंदर टैलेंट भरा हुआ है जो रंगों के साथ खेलना जानते हैं। हर पेंटिंग में कलर व ब्लैक एंड व्हाइट का पूरा ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। इस अवसर पर भारत में रवांडा गणराज्य के उच्चायोग ने सेकेंड काउंसलर रकोज प्रोस्टेस ने कहा कि लाइट और रंगों का बेहतरीन सामंजस्य देखने को मिला। ललित भसीन ने कहा कि मैं हर उस इंसान की इज्जत करता हूं जो अपने काम को मेहनत व दिल से करते हैं। यहां आकर नए लोगों का काम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मारवा स्टूडियो के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप मारवा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद यह पहली बड़ी आर्ट प्रदर्शनी है जो बेहतरीन है। आपके इमोशनल और आध्यात्म जब एक हो जाए और उस संवेदनाओं को जब कैनवास पर उतारा जाए, वही आर्ट है। इस अवसर पर अर्पिता, अनुपमा भारद्वाज, ज्योति कालरा, रुचिका अग्रवाल, मोनिका सेठ, अंजू हांडा, ममता ग्रोवर, सईदा अंसारी, योग गुरु सत्येंद्र नारायण को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आज हम लोग यहां पर MEC आर्ट गैलरी में सभी लोग उपस्थित हैं और एक नई एग्जीबिशन ग्रुप शो का उद्घाटन हुआ है। मैं अतुल मारवा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस शो को यहाँ पर खान मार्केट में आज इस भव्य तरीके से लॉन्च किया है। पैंडेमिक के बाद ये पहला बड़ा शो है जो इस वक्त यहाँ खान मार्केट में लगा है। ये गैलरी तकरीबन 31 साल पुरानी है जिसका विमोचन फरवरी 1991 में हमारे आदरणीय भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था और उनके कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन के बाद तब से ये आर्ट गैलरी बड़ी उत्साह और उल्लास के साथ यहाँ काम कर रही है। खासतौर पर इस आर्ट गैलरी का एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है पूरे देश के लिए वो ये कि बहुत सारे नए कलाकारों को इसने आर्ट गैलरी ने जन्म दिया है और ऐसे लोग जिन्हें ज़िंदगी में आगे आने का मौका नहीं मिलता था, जिन्हें कोई आर्ट सेंटर या कोई आर्ट गैलरी भाव नहीं देती थी, इस आर्ट गैलरी ने उन लोगों को भी यहाँ बुलाकर एक उनकी सुंदर रूपरेखा तैयार की है। आज वही सब आर्टिस्ट जो अपना काम लेकर थैलों में घुमा करते थे, आज वो देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं इन 31 सालों में और हजारों और लाखों रुपए की उनकी पेंटिंगें बिकती भी हैं। सर, G20 का आपने जिक्र किया, कैसे समझते हैं कि G20 से आर्ट को कितना फायदा मिलेगा? 2023 का ये आज चौथा दिन है और पहली तारीख से भारत को G20 का अध्यक्ष चुना गया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस पूरे G20 के 20 मेंबर्स की इस टीम को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना भी है कि इन तमाम यूरोपियन यूनियन और 19 देशों को मिलाकर इनके तमाम आर्टों को, आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया जाए और ये मेरा धर्म है, इसे मैं अपना धर्म समझता हूँ कि आर्ट और कल्चर में हम लोग पहले ही 67 मुल्कों के साथ जुड़ चुके हैं और इन तमाम 20 मेंबरों के बीच में मैं देख रहा था कि तकरीबन 15 लोगों के साथ तो हम लोग ऑलरेडी बेहतरीन काम कर रहे हैं मिलके। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बैनर तले सभी किस्म के आर्टों को हिंदुस्तान में प्रमोट करेंगे और G20 को एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट करके इसे साबित करेंगे। कैसा, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जीबिशन के बारे में? उसी आर्ट और लाइफ में बहुत ज़बरदस्त इंटरकनेक्शन है।
आर्ट के बगैर जो है लाइफ चल नहीं सकती, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप ये आर्टिस्ट हों जो ये पेंटिंग बनाते हैं, चाहे आप एक डॉक्टर हों, चाहे जैसे मैं एक लॉयर हूँ, एक आर्ट की हर चीज़ में ज़रूरत होती है, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम अपने विचारों को, अपने विजन को, अपने व्यूज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पर ये जो फॉर्म एक है, ये जैसे किसी ने कहा कि आप जो बोल नहीं सकते वो ये पेंटिंग, वो ये आर्ट पीसेस ये बोलते हैं, ये आपके एक्सप्रेशन को करते हैं। सो ऐसी इवेंट्स जो हैं ये होनी चाहिए, हर देश के हर कोने में होनी चाहिए, दुनिया भर में होनी चाहिए, ताकि आर्ट का इंटेग्रेशन हो। जैसे G20 हो रहा है, उसी तरीके से G20 में आर्ट का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हाईलाइट करना चाहिए। आज हमने जो एग्जीबिशन लगाई है, इसमें 42 आर्टिस्ट हैं जो ऑल ओवर इंडिया से हैं, एंड वी हैव सेलेक्टेड देम, जो भी अपने स्टेट और नेशनल लेवल पे वेव्स बना रहे हैं या अपना काम अच्छा कर रहे हैं, उनको इनवाइट करके हमने ये शो लगाया है, सो दैट के लोग दिल्ली के इसको देख सकें और इंजॉय कर सकें। आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहिए? आर्टिस्ट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अच्छा काम करते रहिए, सीरियस काम करिए, और वर्ल्ड इज़ वेरी बिग टू इंजॉय देयर वर्क। सर, किस तरीके से आर्टिस्ट जो आपने चुने हैं, जिनकी पेंटिंग्स लाए हैं, क्या प्रोसीजर था, किस तरीके से उनको यहाँ पे आपने शामिल किया? एक्चुअली हमारा 5 लोगों का पैनल है, जिसमें आर्ट क्रिटिक हैं, आर्टिस्ट हैं, क्यूरेटर हैं, उन सब जब यूनानिमसली सब हाँ कर देते हैं, देन वी हैंडल देयर वर्क। और इस शो में तो वही हैं जैसे मैंने बताया कि जो लोग अपने लेवल पे न्यूज़ बना रहे हैं अपने काम के साथ, उनको इनवाइट किया गया। क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने कलेक्शन देखा है और बहुत ज़्यादा बढ़िया कलेक्शन है, ग्रेट आर्टिस्ट का काम है, और जितना फाइन सारा किया हुआ है उसके हिसाब से आई एम श्योर आगे बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। सारे आर्ट लवर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी करने वाले हैं, एंड द सीज़न इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर देम। आई एम डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज, आई एम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ पेंटर, बट नॉट अ बिग टाइम पेंटर। हाँ, कलेक्शन इज़ रियली ब्यूटिफुल, और ये एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है बडिंग आर्टिस्ट के लिए और जो इस्टेब्लिश भी हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट आर्टिस्ट के वर्क है, हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, तो आई विल से दिस इज़ रियली वेरी गुड। आप कई जगह जाते हो, यहाँ क्या डिफरेंस? यहाँ पर मुझे यही डिफरेंट लग रहा है, एक तो कलेक्शन इज़ रियली गुड, उन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ें ले रखी हैं, कोई भी एक थीम को नहीं लिया है। या माई सेल्फ इज़ अंजू हांडा एंड आई एम फ्रॉम शी कनेक्ट एंड ही कनेक्ट। आई रन ए प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ शी कनेक्ट एंड देन ऑल्सो फॉर द मैन ही कनेक्ट। टुडे आई एम बीइंग इन्वाइटेड बाय संदीप जी एंड इट इज़ अ वंडरफुल आर्ट शो। आई शुड से दैट एवरी पेंटिंग इज सो ब्यूटिफुल दैट आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। एवरी पेंटिंग सेज ए स्टोरी, यू नो, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट अतुल जी फॉर दिस वंडरफुल एग्जिबिशन ऑफ पेंटिंग एंड इन्वाइटिंग अस एंड मेकिंग अस अक्वेंट विद दिस आर्ट फॉर्म। यू नो, I had been coming to Khan Market so many times, but today I think I am very lucky to have witnessed these painting show, because I have never seen this gallery before. And after coming here, even I feel that I should, you know, start painting something, which is my long cherished dream, to create some painting of my own.